क्यों रुकना है सालों साल, जब पोजीशन मिले इसी साल। मुमरा में मेन रोड पे 1 BHK 29,99,000 प्लस प्लस में G+7 का गेटेड कम्युनिटी ये कॉम्प्लेक्स है। पोजीशन इसका आपको मिल जाएगा 2024 दिसंबर में। एमिनिटीज की बात करूँ, स्विमिंग पूल, जिम, आपका किड्स प्ले एरिया, सारी चीजें हैं, वर्किंग है किड्स प्ले एरिया। एंड इसके अलावा कुछ आपको क्वेरीज रहेगी या कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कॉल कर सकते हो। मैं अबुल खान और आप देख रहे हैं प्रहार। अगर आप एवरेस्ट मटन मसाला, मैगी मसाला खाते हैं तो सावधान हो जाए, कहीं आप जहरीला एवरेस्ट मसाला तो नहीं खा रहे हैं। जी हाँ, ब्रांडेड नामचीन मसालों के नाम से मार्केट में डुप्लीकेट एवरेस्ट मटन मसाला और मैगी मसाला बेचे जा रहे हैं। पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए जहरीला मसाला जब्त किया है और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि भिवंडी के शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एवरेस्ट के सेल्समैन सचिन काशीनाथ पासलकर उम्र 44 साल ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि भिवंडी में एवरेस्ट मसाला ब्रांडेड कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट मटन मसाला और मैगी मसाला बनाकर उसे बाजार में बेचा जा रहा है। भिवंडी के शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनायक गायकवाड़ ने भिवंडी से दो आरोपी महेश ललन प्रसाद यादव उम्र 42 साल, मोहम्मद सलमान मोहम्मद अफजल प्रधान उम्र 41 साल को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्हें एवरेस्ट डुप्लीकेट ब्रांडेड मसाला और मैगी मसाला गुजरात के सूरत में स्थित गौड़दरा से गांव से लाया करते थे और महाराष्ट्र में सभी इलाकों में बेचा करते हैं। शांतिनगर पुलिस स्टेशन की एक टीम डुप्लीकेट एवरेस्ट ब्रांडेड मसाला और मैगी मसाला बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई करने के लिए गुजरात के सूरत में स्थित महाराणा प्रताप चौक के पास गौड़दरा में छापेमारी कर वहां से भी बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट एवरेस्ट मटन मसाला और मैगी मसाले जब्त किए हैं और इनमें एक टेम्पो भी जब्त किया गया है जिसकी कुल कीमत 4,08,000 रुपये। भिवंडी के शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनायक गायकवाड़ ने कहा है कि डुप्लीकेट एवरेस्ट मटन मसाला और मैगी मसाला में फर्क इतना है कि पैकिंग पर ब्रांडेड मसाले के ऊपर जो अक्षर लिखे होते हैं वह बड़े होते हैं और डुप्लीकेट एवरेस्ट मटन मसाला और मैगी मसाले में जो अक्षर में लिखा होता है वो छोटा होता है, जिससे आप ब्रांडेड और डुप्लीकेट में आसानी से फर्क पहचान कर सकते हैं। तो आप भी असली और नकली की पहचान कर मसाला खरीदें ताकि आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। इस पूरे मामले के साथ शांतिनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI विनायक गायकवाड़ ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे ये क्या रीजन है सर? 17 मई को हमारे PSI गुगे और उनकी टीम ने एक टेम्पो में डुप्लीकेट एवरेस्ट मसाला और कुछ मैगी मसाला ऐसा सीज किया था और उसके बारे में एवरेस्ट कंपनी के सेल्समैन इन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज किए थे। उसके तो दो आरोपी के खिलाफ में धारा 420 और ये अपना कॉपीराइट एक्ट के तहत गुना दाखिल हुआ था। दोनों को कोर्ट में हाजिर करने के बाद उनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर ये उन्होंने कहाँ से लाए हैं इसका हम जांच कर रहे थे और इसकी इंक्वायरी में ऐसी माहिती मिली कि सूरत में एक आदमी वहाँ पे ये सब बना रहा है। तो हमारी टीम दो दिन पहले सूरत गई थी, सूरत जाके उन्होंने तपास करके वहाँ पे जो लक्ष्मी नारायण सोसाइटी है गोधरा सूरत में, तो वहाँ पे जाके उन्होंने छापा मारा तो वो वहाँ पे गाले में मशीन और वहाँ पे जो ये डुप्लीकेट मसाला बनाने के पूरा साहित्य मशीन के साथ में मिले। कुल मिला के वहाँ पे एक मशीन और ये मसाला डुप्लीकेट मसाला ऐसा 1.5 लाख का मुद्देमाल वहाँ पे सीज किया है और वहाँ से भी जो बनाने वाला था उसको हमने नोटिस दिया है और उसके आगे तपास चल रहा है। सर, कब से ये कर रहा था ये धंधा को? अभी वो तपास में मालूम पड़ेगा, लेकिन ये बहुत दिन से कर रहा है, उसके बारे में अभी तपास चालू है और ये महाराष्ट्र में MP में UP में
गुजरात से ऐसा डुप्लीकेट एवरेस्ट मसाला बेचता था। सर मसाले का ही काम करता था कि अन्य भी चीज डुप्लीकेट बना? एवरेस्ट मसाला है और मैगी मसाला है, ऐसे एवरेस्ट के और मैगी के मसाले वो डुप्लीकेट बना रहा था। सर टोटल कितने आरोपी को? अभी तक इसमें 2 आरोपी अरेस्ट हुए है और 1 को अभी हमने नोटिस दिया है उसकी इंक्वायरी। सर नकली और असली मसाले की पहचान कैसे की जाए? इसमें देखो जो ओरिजिनल एवरेस्ट मसाला है उसके उसको अपन लाइट में अगर देखेंगे तो उसके अंदर से अपने को ई ऐसा दिखता है, एवरेस्ट का ई, और जो ये डुप्लीकेट है उसमें कोई चमकता नहीं है और ये पहचानने में आता है, लेकिन सामान्य ग्राहक को ये बात मालूम नहीं रहती और वो डुप्लीकेट को ही ओरिजिनल समझ के इस्तेमाल करता है। इससे लोगों के आरोग्य का भी प्रश्न है और ये सब बहुत खतरनाक बात है, तो ये आज हमने सब सीज करके और ये फैक्ट्री तक जाके इसका हमने भंडाफोड़ किया है। सर ये फैक्ट्री और भी कई जगहों पर चालू है कि सिर्फ गुजरात में ही चालू है? नहीं अभी तक तो अपने को गुजरात में ही ऐसा ये सूरत में मिला है।